कुम्हार एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष जी हैं। आज इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय जन जन पार्टी। उसका जो स्लोगन है, अब की बार बदलो बिहार। आशुतोष जी खुद है, स्वयं है आशुतोष जी। नवंबर में हमने आपका रैली देखा था, राजधानी न्यूज ने प्रमुखता से कवर भी किया था उसको, और आपके द्वारा जो चीज़ें थी, संबोधन थी, वो ब्राह्मण भूमिहार की बातें थी। लेकिन अब फिर पार्टी में बढ़ा लेना, कई ऐसे पार्टी देखे गए हैं जो शुरुआत तो की है लेकिन समय आने के साथ साथ अपनी विचारधारा को भूल के, परिवर्तन के कहीं से कहीं निकल गई। सर आपका क्या है? सर उस दिन गांधी मैदान में हमें लगता है कि आपने हर एक मोमेंट को कवर किया था। आपके पास वो वीडियो भी होगा जिसमें हमने कहा था कि हम लोग राजनीतिक विकल्प की घोषणा करेंगे और लोगों ने हाथ उठाकर सहयोग भी किया, समर्थन किया, लाखों लोगों ने समर्थन किया। तो ये केवल हमारी सोच नहीं, ये उन लाखों लोगों की सोच की उपज है। और केवल वही लाखों लोग नहीं, अब जो हमारे विचारधारा से जुड़ते जा रहे हैं, जो हमारी बातों को सुनकर प्रभावित होते हैं, लगता है कि भाई इस बंदे में कुछ है जो करना चाहता है, बदलना चाहता है वास्तव में बिहार की वर्तमान प्रदेश को, वो लोग अब कह रहे हैं कि आप राजनीतिक विकल्प दीजिए और बड़े बदलाव की आवश्यकता है, हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। और विकल्पहीनता की वजह से ही चाहे हम नीतीश को चुन रहे हैं या लालू के परिवार को चुन रहे हैं, और मजबूत कोई ऐसा विकल्प नहीं। तो ये जो विकल्पहीनता की जो कमी थी, जो विकल्पहीनता थी बिहार में, विकल्प की जो कमी थी, उस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है और बहुत मजबूत विचारधारा को लेकर चलने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य, जैसे आपने कहा कि बदलो बिहार, अब की बार बिहार में तो बदलाव कहाँ कहाँ बदलाव करने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि अगर हम शुरू करें तो शाम हो जाएगा बोलते बोलते, इतना गर्त में ले गया इन्होंने बिहार को। लेकिन फिर भी जितना बदलाव हो पाए, जितना सुधार हो पाए, चाहे वो रोज़गार को लेकर हो, या यहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर तैयार करने को लेकर हो, या महिला से सुरक्षा से संबंधित सवाल हो, या अपराधीकरण को लेकर हो, या भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने को लेकर हो, तो इसके लिए हम लोग एक बढ़िया मजबूत रोड मैप तैयार करके और उस पर हम लोग चलने का प्रयास। आशुतोष जी, कहीं ना कहीं जब आपका जो जो संगठन था भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच, उसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मण भूमिहार की बात की जाती थी, उनके पिछड़ेपन की बात की जाती थी, उनके हक की बात की जाती थी, उनको न्याय की बात की जाती थी। लेकिन क्या राजनीतिक पार्टी बनाने से उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ देंगे, या फिर वो चीज़ें फिर कैसे तालमेल कैसे बिठाएंगे? सर देखिए, वो गैर राजनीतिक संगठन था और हर एक समाज का अपना एक गैर राजनीतिक संगठन होता है। कोई ऐसी जाति नहीं जिसका अपना संगठन नहीं है बिहार में, और लोग अपने अपने सामाजिक संगठन के बैनर तले अपने अपने समाज के उत्थान की लोग बात करते हैं। हमने भी किया, अब हम राजनीतिक पार्टी बनाया, और इसमें हम एक जाति की बात करेंगे तो ये संभव नहीं है। इसलिए बनाया ताकि अन्य जातियों के लिए भी विकल्प खुले। केवल आप भी अगर बदलाव चाहते हैं हमारी तरह, आपकी विचारधारा हमसे मेल खाती है, तो अब आइए, क्योंकि इसमें से जाति का टैग हमने हटाया है। समाज की जहाँ तक बात है, तो अपनी बातों को तो भूलेंगे नहीं ना, जिसको लेके आप अभी तक जहाँ तक पहुँचे हैं। समाज की जहाँ तक बात है, तो वो गैर राजनीतिक संगठन के बैनर तले हो रही थी और वो होती रहेगी। उस संगठन का अस्तित्व जब तक बचेगा, तब तक वो समाज के उत्थान की बात संगठन की तरफ से होता रहेगा। लेकिन यहाँ बिहार की बात हम करने आए हैं, यहाँ केवल जाति की बात करें नहीं है। हमने अपने समाज के लोगों को जगाया, उन्हें प्रेरित किया कि भाई आपकी उपेक्षा की जा रही है, आप उपेक्षा के जद में हैं, आप संघर्ष कीजिए, आप संगठित होइए, अन्यथा मिटा दिए जाइए। तो जी एक हाँ, समाज के लोग जागे, व्यापक समर्थन भी दिए। अब हम चाह रहे हैं कि बिहार के 11 करोड़ लोगों तक हम पहुँचे, और बिहार में जो व्यापक बदलाव के, बिहार जो उपेक्षा के जद में है। कहा जाता है ना, देहात में कहावत है भैया कि जब तक आपके पास दूध नहीं होगा, पड़ोसी भी दही लेकर जोरन जमाने नहीं आएगा, जो भी सुन रहे थे आप। तो हम वो यहाँ की राजनीति की विडंबना है कि जब तक आपके जाति का वोट और सपोर्ट आपके पास नहीं होता, दूसरे लोग भी आपको समर्थन नहीं करते हैं। और हम उनका भी भला तभी कर पाएंगे जब हम अच्छे सोच, अच्छी विचारधारा वाले लोगों को विधानसभा और संसद भवन में भेजेंगे, क्योंकि यहाँ सारा पावर तो उनके पास ही है। तो हमारी ये कोशिश है कि अच्छे सोच और अच्छे विजन वाले लोग अधिक से अधिक संख्या में इस बार बिहार के विधानसभा में पहुँचे। आशुतोष जी, क्या किसी पार्टी से लंच करेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर तुम जल्दी बताइए। सर, विचारधारा जिसकी हमारे साथ मेल खाएगी और मूल्य और शर्तों के आधार पर हम समझौता करेंगे, बिना मूल्य के आधार पर, बिना शर्त पर और बगैर विचारधारा मेल खाए, हम समझौता कुर्सी के लिए नहीं करेंगे। आप एक सवाल और है यहाँ पे, हम ये सवाल पॉलिटिकल है कहीं ना कहीं, आपने अब राजनीतिक पार्टी आपका बन चुका है, कल नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जिस तरीके से इस लॉकडाउन में इतने सारे लोगों के साथ
कानून की धज्जियां उड़ाया गया और गोपालगंज में जो हत्याकांड हुई है, विधायक को गिरफ्तार करने के लिए सरकार पर दबाव बनाई जा रही है। वहीं जो सत्ता पक्ष के लोग, उनका कहना है जो गया कहाँ गए तेजस्वी यादव, आरा में जो हुआ उसमें कहाँ गए तेजस्वी यादव, सिर्फ उसी की बात क्यों उठा रहे हैं। आशुतोष जी भी अब एक पार्टी को संभालने जा रहे हैं, वह किस चश्मे से देखते हैं? सर देखिए, अपराध को कभी किसी जाति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, वो केवल एक ही जाति के होते हैं, वो अपराधी होते हैं। और अपराध का संरक्षण देना, अपराधियों का संरक्षण देना, अपराधियों का साथ देना, हमें लगता है कि उन अपराधियों से बड़ा गुनाहगार वो होता है जो उनका साथ देता है। खासकर राजनीति में रहकर अपना कद बड़ा करके, पावर हासिल करके, और अगर आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, तो आपसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक आप गोपालगंज घटना की जिक्र कर रहे हैं, जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था 2-3 दिनों से, ये तो 3 दिन पहले इनका हमने स्टेटमेंट सुना था कि 90 के दशक में हमसे कुछ गलतियाँ हुई थी, उसमें हम सुधार कर रहे हैं, लेकिन सुधार की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। क्योंकि अगर सुधार होती तो इनको सिंधवारी भी पहुँचने में देर नहीं लगती। अगर सुधार होती तो महेंद्रपुर में अभी 2 दिन पहले एक लड़की को जिंदा जला दिया गया, वहाँ भी पहुँच जाते हैं। जमुई में मारे गए, हर रोज़ कहीं ना कहीं मारे जा रहे हैं लोग, और जातिगत हत्याएं हो रही हैं और जातिगत भेदभाव के कारण हो रही हैं और द्वेष फैला कर कराई जा रही हैं। और सत्ता के संरक्षण में पल रही लोग कर रहे हैं, चाहे वो सिंधवारी की घटना लीजिए, चाहे गोपालगंज की, या कहीं के लीजिए। तो ये नेता प्रतिपक्ष थे, ये इनका कर्तव्य बनता था कि आप सरकार अगर अपराध पर नियंत्रण नहीं लगा पा रही है तो आप मुखर तरीके से उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाइए। लेकिन ये तो अगर इस चश्मे से देखते हैं कि हत्या जिसकी हुई है वो कौन सी जाति का है और हत्या करने वाला कौन सी जाति का है। अगर इनकी जाति वालों की हत्या हुई तो चले गए, और हत्या दूसरी जाति वाले की हुई तो चुप हो गए। ट्विटर पर एक लाइन भी लिखना, सोशल मीडिया पर भी कम से कम श्रद्धांजलि दे सकते थे, अपनी संवेदना प्रकट कर सकते थे। तो इनसे कैसे बिहार की जनता उम्मीद लगाए कि आप कहते हैं कि हम कल के डेट में CM के रेस में हैं, आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो हम कैसे मान लें कि आप वहाँ भी जाति देखकर न्याय नहीं देंगे? वहाँ भी आप जाति देखकर ही न्याय करेंगे? तो केवल आपके जाति वालों का भला कर देने से पूरे बिहार का तो भला हो जाए? और अगर आपके जाति वालों को ही आपको देखना है तो बिहार की जनता आपको क्यों वोट करे? जवाब इनके पास होना चाहिए। दूसरे जाति के भी लोग मारे जा रहे हैं, उसके प्रति आप क्यों नहीं मुखर होकर बोलते, क्यों नहीं आ पाते? लेकिन अगर कहीं कोई यादव मारा जाता है तो प्रमुखता से राजभवन मार्च करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, 80 विधायकों को लेकर गोपालगंज लॉकडाउन तोड़ के जाने की बात करते हैं। तो इसका मतलब है आप केवल उन्हीं की बात करेंगे, तो वोट भी केवल उन्हीं से मांगेंगे ना, दूसरे से मांगने का आपका अधिकार नहीं। ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए सर। आशुतोष जी, आपने माँ भारती की बात की, तमाम तरह की बातें की, आपका विचारधारा कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित होते हुए दिख रही, क्या भारतीय जनता पार्टी अगर आपको ऐसा निमंत्रण आमंत्रण देती है तो क्या स्वीकार करेंगे? सर, माँ भारती की बात करना मतलब भारतीय जनता पार्टी हो जाता है। इस देश के 130 करोड़ के जनता के रक्त में, मेरा सवाल था भारतीय जनता पार्टी अगर आपको बुलावा बुलाती है, निमंत्रण देती है, इस देश के 130 करोड़ जनता के रक्त में राष्ट्रवाद है सर। केवल भाजपाई कहने से राष्ट्रभक्त नहीं हो जाता। मंगल पांडे जब आज़ादी का बिगुल सबसे पहले फूके थे, उस समय वो भाजपा में नहीं थे। ठीक है सर, आप हमारे गाँव में जाइएगा तो हर घर में आंगन में महावीरी झंडा गड़ा हुआ मिल जाएगा, तो सब के सब भाजपाई नहीं है। इसलिए हाँ, अब बात रही कि कहीं से ऑफर मिलेगा तो आप चले जाइएगा, ऑफर तो पार्टी बनाने से पहले कई जगह से मिला, जाना होता तो पहले ही चले जाते। मर्ज करने की बात मर्ज तो कभी करेंगे नहीं, नहीं मतलब वो गठबंधन की अगर आप बात करते हैं तो हमने पहले ही कहा कि भाजपा हो चाहे राजपा हो चाहे जदयू हो चाहे राजद हो या कांग्रेस हो, बिना शर्त का समर्थन अब हम कहीं नहीं करेंगे। हम किसी की बंधुआ मजदूरी करना बंद कर दिए, और आप हमारी बात नहीं कीजिएगा, आप हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं कीजिएगा, तो हम भी आपके भावनाओं का ख्याल नहीं रखेंगे। अब किसकी हार और किसकी जीत, किसको फायदा और किसको नुकसान होगा, अब हम इसकी चिंता करना छोड़ दिए। आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ आशुतोष जी थे जो अपना बात बेबाकी से हमारे साथ साझा कर रहे थे। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जी न्यूज़। नमस्कार।